क्या लोकसभा से पहले पलटेगा गेम? क्या मायावती और ओवैसी करेंगे गठबंधन? विपक्ष ने ना कोई बात की और ना ही मुलाकात। ओवैसी और मायावती से दूर क्यों भाग रहा विपक्ष? हाशिए पर खड़े ओवैसी और मायावती, अगर आए साथ तो कितनी बड़ी बन जाएंगे ताकत। एक तरफ राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चे बंदी कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी विपक्ष की लीडर बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, सारा विपक्ष जोड़ तोड़ करके बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है तो विपक्षी गुट नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में आने से रोकने की प्लानिंग में है। ममता बनर्जी से लेकर KCR, नीतीश कुमार, केजरीवाल तक बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ मगर इस सियासी गणित में दो अहम किरदार अभी भी इस सियासी बिसात से दूर हैं। एक तरफ है मायावती और दूसरा नाम है ओवैसी का। विपक्ष का कोई नेता उनसे बात करने को तैयार नहीं है, मगर इतिहास गवाह है कि दोनों की ताकत कम नहीं है, मायावती हो या फिर ओवैसी। मायावती के पास जहां एक तरफ मुस्लिम और दलित वोट बैंक की ताकत है, तो दूसरी तरफ ओवैसी मुस्लिम गठजोड़ से कईयों का गणित बना और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोनों नेताओं को विपक्ष नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्या इन दोनों के बिना विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? देखिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली आए, चलिए समझिए पर्दे के पीछे की कहानी और पर्दे की आगे की कहानी भी। विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली आए नीतीश कुमार ने 10 नेताओं से मुलाकात की। नीतीश ने राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं से भी मिले, लेकिन मायावती और ओवैसी से मुलाकात नहीं की। ममता बनर्जी अपनी PM उम्मीदवारी की दावेदारी को ठोक रही है, लेकिन मायावती से बात उन्होंने भी नहीं की। अरविंद केजरीवाल और KCR अपने अलग अलग मिशन में जुटे हैं, लेकिन ओवैसी और मायावती का नाम इनकी जुबान तक पर नहीं है। यानी विपक्ष का हर वो नेता जिसे लगता है कि वो विपक्ष का चेहरा बन सकता है, एकजुटता की बात कर सकता है, लेकिन मायावती और ओवैसी से मुलाकात तक नहीं करते। इस वक्त मायावती ना तो विपक्ष के साथ है और ना ही बीजेपी के साथ। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर भी होती हैं और फिर नरम भी पड़ती हैं। मायावती देश की दलितों की सबसे बड़ी नेताओं में से एक मानी जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ उनका सियासी आधार सिमटने लगा है। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में UP में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उनके 10 सांसद जीतने में कामयाब रहे। UP विधानसभा में BSP को सीट भले ही एक मिली हो, लेकिन उनका वोट प्रतिशत अच्छा रहा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में मायावती ने NDA को समर्थन दिया, इसलिए विपक्षी दलों ने BSP पर BJP की बी टीम होने का आरोप जस्पा कर दिया। ये सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से विपक्ष ने मायावती से दूरी बना ली। मौजूदा हालात तो यही इशारा करते हैं कि मायावती लोकसभा चुनाव अकेले लड़ सकती हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी की इन सीन एंट्री हो सकती है। ओवैसी देश के तमाम राज्यों में अपना सियासी आधार बढ़ा रहे हैं, खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में। खुद को विपक्ष का नेता साबित करने में लगे हैं, लेकिन विपक्ष उनसे दूर भाग रहा है। इसके पीछे की वजह है कट्टर मुस्लिम छवि। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी अकेले विपक्ष के खेल को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक किसी ने भी ओवैसी के साथ हाथ नहीं मिलाया और लोकसभा में भी कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं दिखता। लेकिन सियासी पंडित मानते हैं कि हाशिए पर खड़े ओवैसी और मायावती दोनों हाथ भी मिला सकते हैं। ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती से बात भी की थी, लेकिन बात बनी नहीं। अब दोनों को ही विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है। मायावती मुसलमानों के हक में लगातार बात कर रही हैं, ओवैसी की तरह उनके मुद्दों को उठाती हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में अगर दोनों एक साथ आ भी जाएं तो हैरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।